Hello all and welcome to Recognition IAS Current Affairs CATS test number 1 का ही हम लोग discussion को देख रहे हैं, उसके answers को देख रहे हैं और साथ ही साथ कुछ और भी current affairs साथ में देख ले रहे हैं। यहाँ पर ये part 3 है, part 1 and part 2 already upload हो चुकी है और ये demo version है, demo version of the test। इसके बाद जितने भी हैं वो केवल और केवल paid version में ही available है। Current Affairs के लिए आप लोग को पता होगा कि 19 रुपए चार्ज में ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में है, अबाउट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। एक्चुअली दिस इज रिलेटेड विद रीकैप, इससे रिलेटेड है। यहां पर है क्या ये, फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स है। स्टेटमेंट वन कहता है कि इट इज द फर्स्ट रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट टू डील विद पायरेसी एंड आर्म रॉबरी एट सी। बिल्कुल करेक्ट है, एशिया में देखिएगा, वर्ल्ड में नहीं। वर्ल्ड में ऑलरेडी इसको लेकर के एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन एशिया को लेकर के यस दिस इज द करेक्ट, मतलब पहली रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। दूसरी ये रैट से रिलेटेड, नो रैट इज समथिंग डिफरेंट, और ये जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट 3, इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन सेटिंग अप द फंक्शन ऑफ रीकैपिक्स अलोंग विद जापान एंड सिंगापुर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट के नाम पे सेकंड वाली इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे बात करें 52 नंबर की, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रीसेंट रिलीज्ड डिजिटल करेंसी लिब्रा। फेसबुक ने अपनी एक करेंसी लिब्रा निकाली हुई है। ऑब्वियसली ये भी जो होता है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे ही काम कर रहा है और ये भी सिमिलर टू द बिटकॉइन है। जो जितनी भी बिटकॉइन होती है उसी के तरीके से ये भी निकाला गया है, बट थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ पर यही है कि बिटकॉइन जो है वो मतलब ये एक तरीके से अनकाउंटेड जाती है, लेकिन लिब्रा हैज अ गवर्नमेंटल बैकिंग, इसके लिए एक ये बना करके रखा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज इनक्रिप्टेड। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये SDR के जैसे नहीं, SDR इज समथिंग डिफरेंट। SDR जो होती है वो एक तरीके से कह लीजिए वर्चुअल फॉर्मेट तो जरूर होती है, लेकिन इसकी अलग वैल्यू होती है। दिस हैज समथिंग अदर, सम अदर कह लीजिए मैकेनिज्म, लिए अलग अलग तरीके से, मतलब जो इसके 5 बास्केट्स में जो 5 करेंसीज होती है उसके बेसिस पे SDR कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर इसका मतलब नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। इट इज अ वे ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, यस फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही ये तरीका हो जाता है। तो यहां पर स्टेटमेंट जो होती है ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, यहां पर ये दिस इज करेक्ट, और केवल ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करें, किसने लॉन्च किया हुआ है रिसेंट में वर्चुअल करेंसी। देखिए मार्शल आइलैंड ने अपनी एक करेंसी लॉन्च की हुई है जिसका नाम है क्या, सॉवरेन। दिस इज सॉवरेन। इसी तरीके से वेनेजुएला भी ने भी एक लॉन्च करके रखा है जिसका नाम है पेट्रा, लेकिन रिसेंट में कौन सी है, इसने लॉन्च की हुई है मार्शल ने। हालांकि दोनों इंक्लूड कर दिया गया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दोनों दी जा सके क्वेश्चन में, बट आप लोग ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ऑपरेशन बंदर किससे रिलेटेड है, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की हुई है उसको ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर। तो दिस इज बेसिकली ऑपरेशन टेकन बाय इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट टेररिज्म, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, ट्राइकोफाइटन रूब्रम रिसेंटली न्यूज में थी, किससे रिलेटेड है। देखिए ट्राइकोफाइटन रूब्रम जो है वो एंटी फंगल ड्रग है। होता क्या है, नाखून में आप लोग देखे होंगे यहाँ साइड साइड में जो होती है वो थोड़ी सी मतलब निकल जाती है, उसमें क्या होती है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पेनफुल हो जाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन, और इस फंगल इन्फेक्शन से रोकने के लिए ही ये सिस्टम लॉन्च किया गया। दिस इज एंटी फंगल ड्रग, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हरप्पन साइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में सुनिएगा। राखीगढ़ी, दिस इज द लार्जेस्ट साइट अकॉर्डिंग टू द न्यूएस्ट करंट अफेयर्स। तो लार्जेस्ट साइट है, हालांकि इसको ले करके जो पहले होती थी वो होती थी महाराधा, दिस इज महाराधा पहले होता था, जहां पर दिस इज मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर राखीगढ़ी, एंड देन लास्ट में आ जाती थी जो दैमाबाद वाली आ जाती थी, लेकिन यहां पर फिलहाल राखीगढ़ी जो है वो सबसे लार्जेस्ट साइट हो गई है। आलमगीर, अगेन दिस इज ऑल्सो अ साइट, सोहन वैली ये यूपी में है, लेकिन ये साइट नहीं है, ये केवल और केवल जो होती है पैलोलिथिक टाइम की यहाँ पर रिमेन्स मिले हुए, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सादिकपुर सिनौली, अभी रिसेंट में यहां से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की चीज मिली हुई है। कहां पर है, दिस इज इन यूपी, बागपत डिस्ट्रिक्ट में है ये, बागपत डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, तो एक कल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इट इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर आर्कियोलॉजी रिसर्चेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द कंट्री, बिल्कुल इन द कंट्री एक्चुअली। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोनॉमस एंड वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, नो दिस इज नॉट साइंस एक्चुअली, दिस इज कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर से हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब बाकी ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहां पर देखेंगे तो करेक्ट क्या हो जाएगी, ओनली एंड ओनली वन एंड थ्री स्टेटमेंट डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है सिलापनम प्लास्ट सेक्सम, इसमें क्या है, ये रिसेंटली जो होती है एक न्यूज में थी एक्चुअली, क्या है, इट इज अ स्पीसी ऑफ टोमेटो जो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। इसमें विचित्र बात यह है कि इसमें जो ये बाइसेक्सुअल है एक तरीके से, दिस इज बाइसेक्सुअल और दोनों ही डेवलप्ड फॉर्मेट में यहां पर सेक्स अवेलेबल है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट भुवन पोर्टल, व्हाट इज भुवन पोर्टल, भुवन पोर्टल जो है इसरो ने डेवलप किया हुआ है और एक तरीके से सैटेलाइट है ये, और इसके माध्यम से बाकी जितने भी लोग हैं वो अपना अपना जियो टैगिंग, मतलब जितने डिपार्टमेंट्स है वो अपनी जियो टैगिंग कर सकते हैं। दिस कैन बी मनरेगा, दिस कैन बी जो फॉरेस्ट फायर होती है, तो कई सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर चीजें की जा सकती हैं विद दिस भुवन पोर्टल। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, फर्स्ट है द पोर्टल इज बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हाउ कैन आयुष डेवलप भुवन पोर्टल, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एजेंसीज यूज दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर एंड होस्ट देयर डेटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट इनेबलिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ देयर चॉइस, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन केवल और केवल बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करें, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज मर्ज्ड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुविनेशन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, इस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय एक नया बना दिया गया है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, जब भी मिनिस्ट्री चेंज होती है या मिनिस्ट्री को क्रिएट करना होता है, बेसिकली उसको लेकर के पॉलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन बनाया गया है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली करंट अफेयर्स बट दिस इज पॉलिटी बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या ऑप्शन है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट न्यू मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो नई मिनिस्ट्री क्रिएट कर रही होती है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो हो गया, दिस इज पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है पीएम ही, पीएम के ही रिकमेंडेशन पे होती है, तो ये क्रिएट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो देयर इज नो नीड टू टेक द प्रायर अप्रूवल, कोई भी जरूरत नहीं होती है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो द मिनिस्ट्री विल ऑल्सो एड्रेस इन इंटरनेशनल एंड इंटर वाटर डिस्प्यूट, जो वाटर डिस्प्यूट्स है, हाँ ठीक है, ये भी बिल्कुल, यहाँ पर भी जो है जितने भी वाटर डिस्प्यूट जिस ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी के थ्रू बना लिए जाएंगे, तो आंसर ओनली एंड ओनली बी करेक्ट होगा, दो ही दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में बताया जा रहा है। रिसेंट में क्या हुआ है कि NSSO और CSO, पहले हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ पर बाइफर्केट नहीं किया गया है, एक्चुअली मर्ज किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। NSO ये हेड किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हेल्प करने के लिए होती है ISI, ISI का मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विच इज देयर इन कोलकाता, कोलकाता में है और ये जो होती है इसको हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स किससे रिलेटेड है। एक्चुअली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कुछ मटेरियल जो है वो खोजे गए हैं और ये मटेरियल्स खोजा गया है IIT मद्रास के द्वारा। होता क्या है, यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं लाइक टंगस्टन डाई सेलेनाइड हो गई या मोलिब्डेनम डाई सेलेनाइड हो गई, इन पर जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट निकाल करके लेकर के आते हैं। दिस कैन बी यूज्ड इन द एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अलग अलग तरीके की लाइट को हम इसको विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं और इस तरीके से प्लूटोन निक्स का काम किया जा सकता है। तो इस वजह से ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, फूट एंड माउथ डिसीज इज कॉमनली फाउंड इन द एनिमल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में यहां पर बताना है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फूट एंड माउथ डिसीज जो होती है वो बैक्टीरियल डिसीज, नो दिस इज नॉट बैक्टीरियल एक्चुअली, दिस इज वायरल डिसीज, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा ब्रूसेलस एक डिसीज होती है, वो बैक्टीरियल होती है, ठीक है, एंड डज नॉट हैव एनी क्योर, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द डिसीज अफेक्ट कैटल विद अ क्लोवन, जिसके भी जो होते हैं इस तरीके से पैर में टखने होते हैं वो मतलब इस तरीके के डिसीज का शिकार हो जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ओनली बी होना चाहिए करेक्ट अगर पूछा जाए, लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसी तरीके से गलतियां होती हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द गोवा, गोवा में कौन सी है, तो देखिए कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ये गोवा में है,
बाकी सबके बारे में मैं एक अलग से सेंचुरी को लेकर के एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे क्या है कि आप लोग जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जो भी न्यूज में रही है, एटलीस्ट वो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, उलचरो पोर्टल। हुआ क्या है कि जितने भी आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें एक अपना आर्मी हॉस्पिटल भी होता है, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड या जितने भी लोग मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, उनको लेकर के इस हॉस्पिटल में जो भी शहीद होते, मतलब कि जो लोग भी आर्मी पर्सनल होते हैं वो यही रहते हैं। इन लोगों को काफी सारी दिक्कतें होती हैं आगे जाकर के, तो इस वजह से इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया क्या है कि जो भी लोग इस तरीके के आर्मी पर्सनल हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा इन द एयर ट्रांसपोर्ट। इसलिए पूरा किसके आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच डज नॉट स्प्रेड ड्यू टू बैट। बैट के कारण से क्या नहीं फैलता है, नेपा वायरस। बिल्कुल, फ्रूट बैट के कारण से ही फैलता है। एंथ्रेक्स वायरस, हालांकि ये तो बैक्टीरिया है, दिस इज नॉट बैक्टीरिया, ये एक्चुअली सॉइल के माध्यम से फैल रहा होता है। इबोला वायरस बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बैट से फैलता है। केवल और केवल बी ऑप्शन है जो इसके कारण से नहीं फैलता है। नेक्स्ट, किरक्यूर रॉक पेंटिंग, ये रिसेंट में पाई गई है। कहां पर पाई गई है, ये पाई गई है वेस्टर्न घाट में। और यहां पर एक्चुअली होता क्या है, दिस इज अ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात है। यहां पर जो लोग भी ट्रेकिंग करते हैं या माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उसके कारण से ये पेंटिंग जो है वो खराब हो गई है। 5000 ईयर्स पुरानी ये पेंटिंग, और ऐसा माना जाता है कि दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल, मतलब कि उसके कंटेम्प्ररी ये पेंटिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये किया गया है इरूला ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये। नेक्स्ट, क्वाड ग्रुपिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन इंक्लूड कौन कौन सी, जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। पूछा गया है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हेडक्वार्टर बियारेट्ज फ्रांस में। नो, दिस इज अभी फिलहाल में इनफॉर्मल है, इसका फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ना तो सेक्रेटेरिएट है ना तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, ये केवल और केवल अभी फिलहाल में एक कंसेप्ट है। क्वाड इज जस्ट अ कंसेप्ट, ठीक है। और ये आइडिया बेसिकली जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आब ने 2007 में दिया था, लेकिन आइडिया मूव नहीं कर पाया था, आगे नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो पुल आउट कर लिया था। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी यहां पर, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 69, जल संशिक्षण संस्थान। जल शिक्षण संस्थान, हालांकि ये बहुत पहले करीब 90s में ही बनाया गया था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट ये था कि बहुत पहले बना दिया गया था। और ये बेसिकली लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि बैठा करके कॉपी किताब फिर पढ़ाया जाएगा, यहां पर ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पढ़ाई कराते हैं। और ये इलिटरेट्स को, जो भी इलिटरेट हैं या फिर न्यू लिटरेट है, पढ़ाई लिखाई की है लेकिन छूट गई बीच में फिर स्टार्ट की है, उन सब लोगों को एक्सपीरियंस बेस्ड यहां पर पढ़ाई कराई जाती है। तो ये बेसिकली फिलहाल में एमएचआरडी के अंतर्गत हुआ करता था, लेकिन ट्रांसफर कर दिया गया था स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में देख लेते हैं। सेल्फी विद अ सैंपलिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा निकाला गया है। कब, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, कब, 5 जून को, ठीक है। नंदन निलेकानी कमेटी रिसेंट में बनाई गई है, किसको लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के बनाई गई है। इनफैक्ट इन लोगों की, इनकी जो रिकमेंडेशन है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुछ इन रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। रिकमेंडेशन है सबसे पहले कि जितने भी डिजिटल पेमेंट को लेकर के जो भी कॉस्ट मतलब कि लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का फॉर्म है उसपे 5 रुपए 7 रुपए बैंक चार्ज लग जाता है, वो चार्ज पहले हटाना है। तो बैंक चार्ज बेसिकली हटाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी डिजिटल क्रेडिट है और डिजिटल डेबिट है इसको इंक्रीज करना है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको दूर करना है। नंबर 3, जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको 10 times इंक्रीज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद से नंबर 4, कि जितने भी कह लीजिए कि जो है टैक्सेस या फिर जितने भी मर्चेंट टैक्सेस या POS सेल पे, जैसे मान लीजिए जा रहे हैं आप स्वाइप कर रहे हैं उसको लेकर के भी अलग से टैक्स लगता है, तो 18% जो होती है वो एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी को पहले हटाने के बारे में बात की जा रही है। जीएसटी जो लगता है, जीएसटी को 3 साल के लिए हटाने की बात कही जा रही है इस कमेटी के द्वारा। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस व्हिच आर बीइंग गिवन बाय नंदन लेखानी कमेटी, दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, इसलिए इनकी रिकमेंडेशंस को आप लोग जरूर से याद करके जाइएगा। फिलहाल में हमारा प्रीलिम्स बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करें तो ऑसडू लेक के बारे में, दिस ऑसडू लेक इज इन पॉन्डिचेरी एंड मैन मेड लेक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड दिस डेवलप्ड फॉर इनलैंड ट्रांसपोर्ट, नो दिस इज नॉट डेवलप्ड फॉर इनलैंड ट्रांसपोर्ट, इकोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट बैलेंस के लिए बनाई गई है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगी। बाकी IUCN में इसको नाम दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट है एसडीजी जेंडर इंडेक्स के बारे में कौन निकालता है, तो देखिए ना तो नीति आयोग निकालता है, ना आईएमएफ, ना यूएनडीपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निकाला जाता है एक मतलब अलग से ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके द्वारा निकाला जाता है, नाम ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, रुद्र। रुद्र का मतलब जो है जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं फ्रॉम द जो आर्मी है उसको रिलेटेड है वेबसाइट, उनके बारे में उनकी खोज खबर लेने के लिए बेसिकली वेबसाइट बनाई गई है। दिस इज रिलेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि आर्मी वाले हैं तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट है करंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। हुलाक दिबन ये क्या है, ये बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट चाइना, इससे रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट है, इससे रिलेटेड है, वल्नरेबल है, बिल्कुल वल्नरेबल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मेनली कंसंट्रेटेड है ये मिश्मी हिल्स को लेकर, अरुणाचल प्रदेश के नियर अबाउट में पाए जाते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं ये लिखा गया है बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट चाइना, तो ये बेसिकली मिश्मी हिल्स गिबोन भी बोला जाता है इनको। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इसमें नन ऑफ द स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फिलहाल इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52-75 हो गया है, और लास्ट पार्ट में पार्ट फोर में हम लोग देख लेंगे जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक ब्रेक लेते हैं।